दोस्तों आप नींबू के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन बिजौरा नींबू के बारे में शायद जानकारी आपको नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिजौरा नींबू के फायदा बताने वाला हूं, इसका प्राकृतिक उपचार सिखाने वाला हूं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो बिजौरा नींबू देख रहे हैं, इसे बिजौरा नींबू के नाम से, बिजौरा नींबू के नाम से या बहुत सारे नाम से जाना जाता है। मैं वीडियो के बीच में भी बता दूंगा, ये पथरी की बीमारी में, मिर्गी की बीमारी में, पीलिया है, खून के साथ दस्त आना है, पेट की कृमि, इसका जबरदस्त रामबाण दवा है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। इस प्रकार की जानकारी हमेशा यूजफुल होती है, फायदेमंद होती है। अभी नहीं तो ये जानकारी आपको बाद में काम आ सकती है। तो दोस्तों हो सकता है ये बिजौरा नींबू को आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो, इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसे असम में जोरा टेंगा के नाम से जानते हैं, इसे कई जगह माउलिंग के नाम से जानते हैं या मादल के नाम से जाना जाता है। तमिल में इसे मादलम कहा जाता है, गुजरात में बिजौरू के नाम से जानते हैं, नेपाली में बिमोरा के नाम से जानते हैं और इसे पंजाबी में बजौरी के नाम से जाना जाता है, बजौरी नींबू बोलते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार की हमें नाम पता था, तो आप लोगों के साथ में जानकारी बता दिए। अब आप हमें बताना कि इसे आप किस नाम से जानते हैं। आइस के औषधि प्रयोग को मैं आप लोगों को सिखा दूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी हमारे भारत भूमि से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी फ्री में पहुँचाने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि भारत के हर कस्बों में, हर गाँव में, हर बच्चे को आयुर्वेद की जानकारी हो, ताकि आने वाले टाइम में हमारे भारत भूमि से इस प्रकार के जो आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो रहे हैं, 90% समाप्त हो चुके हैं, वो समाप्त न हो और इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी सीख करके आने वाले टाइम में आप स्वयं के उपचार कर सके, दूसरे की मदद कर सके। इसलिए दोस्तों हमारे भारत भूमि से इस प्रकार की ज्ञान की अमूल्य धरोहर बनी रहे। इसलिए दोस्तों हम इस उद्देश्य से YouTube चैनल में वीडियो बना करके आप सभी तक फ्री में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी विनती है, छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम अपने चैनल में आप सभी को इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी फ्री में सिखाते हैं, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, दूसरे की मदद कर सके। तो ये दस्त के साथ खून आने को रोकता है। बिजौरा नींबू की जड़ की छाल और फूल को चावल के धोवन के साथ पीस करके थोड़ा सा जल और थोड़ा सा शहद मिला करके पिला देने से खून के साथ जो दस्त आता है या दस्त के साथ खून निकलना बोल सकते हैं, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में रक्त अतिसार के नाम से जानते हैं, वह ठीक हो जाते हैं। पीलिया की बीमारी में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों इसमें 3-4 चीज़ों को मिलाना होता है, थोड़ा ध्यान दें। हींग लेना है, अनारदाना लेना है, विडलवड़ लेना है। विडलवड़ क्या है तो ये आप जो है गूगल में सर्च करके देख लें या फिर इसे पंसारी के यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है सेंधा नमक, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है सेंधा नमक और 4 गुना बिजौरा नींबू के फल का रस, ये सब मिला करके पिला देने से दोस्तों बिल्कुल ही पीलिया की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद किडनी के रोग में जैसे कि पथरी की बीमारी आती है। बहुत से लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं जिससे कम से कम, मैं तो अपने चैनल में 40 वीडियो बना चुका हूँ पथरी की बीमारी ठीक करने वाला, लेकिन अगर आप ही 40 उपाय करने के बाद भी आपके पथरी की बीमारी ठीक नहीं हुआ है तो यह उपाय एक बार जरूर करना। वीडियो को कभी भी आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है। हो सकता है आज मैं आप लोगों को जो उपचार सिखा दूं, पथरी की बीमारी ठीक करने वाला इसे तरीका बता दूं, आने वाले टाइम में आपको काम पड़ जाए, क्योंकि पथरी एक ऐसा गंभीर बीमारी जो कभी भी किसी को हो सकती है और अगर आपके घर पर में किसी को भविष्य में हो जाते हैं तो यह उपचार आप सीखे रहेंगे तो दूसरे को बता सकते हैं, दूसरे की भला कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिलीलीटर बिजौरा के जो फल के रस होता है, इसके फल के रस में सेंधा नमक मिला करके पिला देने से पथरी जो होते हैं कुछ दिनों के भीतर में टूट करके निकल जाते हैं। मिर्गी की बीमारी में इसके फल के रस में नीम के पत्ते का रस तथा निरगुंडी के पत्ते का रस मिला करके 3 दिन तक, निरगुंडी का पौधा किस प्रकार से होता है हमारे वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार से होता है निरगुंडी के पत्ते का, इस प्रकार से पत्ते देख लीजिए, तो इसका रस लेना है और ये नीम के पत्ते का रस और बिजौरा नींबू के रस, ठीक है। तो 3 दिन तक इसे नाक में देने से मिर्गी आना बंद हो जाती है। तो यही थे कुछ इसके छोटे मोटे आयुर्वेदिक फायदे जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर की। अगर आप भी इस प्रकार के पेड़ पौधों में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल ही आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर हमारे साथ फ्री में जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो बहुत से लोगों की भला कर सकता है तो जनहित के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।